गांडे विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने के बाद पपरवा टांड स्थित फुटबॉल मैदान में एक शानदार चुनावी सभा का आयोजन इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया। इस जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन ने कहा कि जनता का काम होना चाहिए, इस पर भी सभी को ध्यान देना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले चुनाव में झारखंड से भाजपा के 12 एमपी चुने गए, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जुमला की गारंटी दे सकती है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए गांडे के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा ही झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया रख लिया है। जब हेमंत सोरेन ने अपना हक मांगा तो उन्हें साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। इस जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर कल्पना सोरेन में भी जोश आया और उन्होंने भावनात्मक भाषण देकर भीड़ को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बिल्कुल कामचोर है और 10 साल से केंद्र में बैठी भाजपा ने अब तक कोई काम नहीं किया है। इस कार्यक्रम को कई मंत्रियों ने भी संबोधित किया। जो एमपी 10 साल तक रह गया, एक भी जनता की आवाज नहीं उठाई और हमारी सरकार ये 15,000 किलोमीटर रोड बनाने का शुरू कर दिया है कि हर गांव, हर जंगल के नीचे गांव तक शहर हमारा पहुंच जाए। ये कौन, यहाँ के झारखंड का बेटा बेटी जो भी शिक्षित हुआ है, हर निजी कंपनी 75% यहाँ का झारखंड का आदिवासी मूलवासी दलित माइनॉरिटी वही लोग यहाँ काम करेगा, ये कानून हम लोग बना दिया किसके लिए, यहाँ का बेरोजगार युवा युवती के लिए, ताकि एक दिन जिस घर के जंगल के बीच में हमारा युवा युवती बड़ा मुश्किल से पढ़ते हैं, ताकि उसको यहाँ नौकरी मिल जाए। लेकिन दूसरे के बनाए हुए मकान में अपना तख्ता पलट बदल करके ये काम करना बहुत बेवकूफ से जानते हैं। पेंशन देके हेमंत सोरेन लगाएंगे अपना नाम, सर्वजन लगाएंगे, हम लोगों ने लगाएंगे अपना नाम, तो ये आप लोगों को सोचना है। बहकावे में मत आइएगा, करारा जवाब दीजिएगा। आपके अपने हक की लड़ाई है और जिसने काम किया है अब उसको वोट करिए। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग माननीय गण यहाँ बैठे हैं, आप सभी को इंडिया गठबंधन को जिताना है। नोडे है सेंटर अकाउंट, अबे बोल रहे हैं तुमको पुरानी जुगमा जी और साफ साफ पे अदू टोला पासा और है सेंटर अकाउंट चांदू बराबर कि आज इस मंच पर हम लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी छत्र छाया में झारखंड बना। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज कल्पना जी को आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे बीच है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा प्रवक्ताओं ने बहुत विस्तार से कई चीजें आपके बीच रखी और आप तमाम लोग जो इस चलचलाती धूप में यहां हैं, आप सभी पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति हैं। इसलिए बातों को नहीं खींचूंगा। आज केंद्र की सरकार और ये राज्य की सरकार हमारे सामने विनोद जी आते थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो चाहे आरियो की सड़क यहाँ पर नहीं बनी है। कुणाल और जितना भी सड़क क्या कर रहे हो भाई, इन विधायकों ने देने के काम किया है,
कुणाल भैया, हमने उस सड़क को बनाने के काम किया है। हमको काम और देने वाला बढ़ावा देने वाला वो हेमंत सोरेन जी।